काम जाने, लेकिन हर घर प्रसाद भेजना है। तो गुरुओं के आदेश पर, संतों के आदेश पर अब आपके लिए वो प्रसाद बन के तैयार होकर आ गया है। वैष्णो देवी की तर्ज पे वो प्रसाद बना है और अब एक एक घर में प्रसाद का वितरण प्रारंभ होगा। और प्रसाद वितरण के बाद आपसे धातु कलेक्शन भी, धातु का संग्रह भी प्रारंभ होगा। तो आप सबके घरों में कोई जात ना पात, कितना भी दूर बसा होगा, कि हर घर में हरिहर धाम का प्रसाद संतों के आशीर्वाद के साथ आपके पास अब 2-4 दिन के अंदर पहुंचना प्रारंभ हो जाएगा। और उसके 1-1.5 महीने बाद आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में बकायदा ट्रैक्टर ट्रॉली सच के आएंगे और आप चाहे खीला डालो, चाहे कटोरी डालो, चाहे गिलास डालो, चाहे कसेड़ी डालो, चाहे बिछिया पायल डालो, चाहे टूटा तसला तगाड़ी डालो, लेकिन सबको कुछ ना कुछ डालना है। धातु के संग्रह के लिए आपके पास गाड़ियां आएंगी, गांव गांव में आएंगी। जिसको सोना चांदी देना है वो मूर्ति में सुबह मैं अपने हाथ में, जो मेरे हाथ में 1000 किलो भी सोना आएगा तो उसमें अपने पास तो और 10 किलो मिला के लगा दूंगा, लेकिन किसी के इतना सही गड़बड़ नहीं होने चाहिए। आप सब लोगों ने इतने धैर्य से सुना और सुनते हुए आपके चेहरे के भाव बता रहे थे कि आप सबका आशीर्वाद मेरे को मिला। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपनी बात को